नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं सुबह का समय है, सुबह के अभी 8 बजे हैं। मैं सुबह के नाश्ते में पोहे बना रही हूँ और ये पोहे में मैंने हल्दी, नमक और शक्कर डाल दी हूँ। पहले ही डाल देती हूँ मैं ये चीज़ें। और उसके बाद ये कढ़ाई में मैंने तेल वगैरह, मिर्ची, प्याज सब डाल दिए थे, तो ये भुन चुके हैं। अब ये जो पोहे हैं इनको मैं हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये जो हल्दी वगैरह डाली थी वो अच्छे से हो जाएगी। और मैं कढ़ाई में डाल लूँगी पोहे और उसके बाद अच्छे से मिला दूँगी। और ये थोड़ी सी धनिया डाल दी, हरी धनिया, और ये बन गए। और नींबू होता तो और अच्छा रहता, लेकिन इस मौसम में नींबू नहीं खा रहे हम, क्योंकि सर्दी वगैरह हो सकती है, ठंड भी है पहले से ही। नींबू नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे खाते भी नहीं अभी हम। और इसको चटपटा बनाने के लिए इसमें चाट मसाला डाली हूँ मैंने थोड़ा सा, और ये मैं अब दे दूँगी सभी को। नींबू नहीं है तो इसमें सेव डाल के दूँगी मैं पोहे में। और एकदम मार्केट जैसे पोहे बनाई थी मैंने। और ये शाम को जो हलवा बनाया था गाजर का, तो वो मैंने इसी कढ़ाई में रहने दी सबको खाने के बाद में। तो मैं सभी को नाश्ते में पोहे और हलवा दे दूँगी गाजर का। और उसके बाद ये जो आटा भर रही हूँ, मेरे बच्चों ने कल पिसा के लाए थे तो मैं डिब्बे में भर दूँगी। मैं ज़्यादा ही आटा पिसवाते, आटा नहीं मतलब घेहूँ पिसाए थे, तो मैं 2 डिब्बे में भर दूँगी। और ज़्यादा ही पिसाती हूँ क्योंकि 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते चल जाता आटा। बार बार बच्चों को परेशान नहीं करती मैं या इनको, इसके पापा को भी, तो एक साथ पिसा लेती हूँ तो अच्छा रहता है। आटा भरने के बाद ये जो आटा गिरा था, थोड़ा बहुत तो गिरते ही है डब्बे में डालने के समय, तो मैंने उसे कपड़े से साफ कर दिया था। और उसके बाद मैं झाड़ू लगा दूंगी सब दूर की, फिर उसके बाद मैं पोछा भी लगा दूंगी सब दूर का। झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैं नहा ली थी और किचन में आ गई थी, तो किचन में मैं अभी सब्जी बनाऊंगी। तो ये कढ़ाई में तेल डाल दूंगी और ये मसाला मैंने पीस लिया था मिक्सर में, प्याज, मिर्ची और लहसुन, अदरक वगैरह सब पेस्ट है उसका, तो ये डाल दिया। उसके बाद मैंने जीरा राई डाल दी उसमें और अच्छे से मिला दूँगी चम्मच से मैं। और ये मसाला हो चुका था, उसके बाद सूखा मसाला डाल दूँगी, जैसे कि धनिया हुई, मिर्ची हुई, हल्दी वगैरह, नमक, सभी चीज़ डाल देते हैं सभी जो डलती है। और ये बाद में मैंने टमाटर डाली, टमाटर मैं भूल गई थी, बाजू में रखा था पीछे, तो मैंने बाद में डाला, फिर भी ठीक है। और ये मसाले को थोड़ी देर भूनने दूंगी अच्छे से, थोड़ा सा पानी भी मिलाया था मैंने इसमें, करीबन 5 मिनट ये मसाला मैंने भून लिया था। और उसके बाद मैं आलू बैंगन मैंने डाल दिए थे इसमें। और मसाला अच्छा भूनेगा तभी सब्ज़ी अच्छी बनेगी और स्वाद में भी अच्छी लगेगी। उसके बाद थोड़ा सा मैंने पानी भी मिलाया क्योंकि ये सब्ज़ी जो अच्छे से पक जाएगी। फिर मैंने इसको प्लेट ढक दी थी थोड़ी देर ताकि सब्ज़ी अच्छे से बन जाए। और एक तरफ मैंने रोटियां भी बनाना चालू कर दी थी। हेलो, तो आज मैं मम्मी और पापा को एक चैलेंज देने वाली हूँ जो कि है वेट चैलेंज। तो पापा इधर आओ, मम्मी इधर आओ, बोलो। तो ये चैलेंज है? अच्छा, ये चैलेंज की बात, तो ये लाने को बोले थे कल रात को, यही लाया था मैंने। ये देखो, हमको कल बता नहीं रहे थे, मैंने पूछा था क्या है सरप्राइज, तो ये है वो। देखिए, ये सरप्राइज इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अगर हम ब्लॉग चैनल बना रहे हैं तो हमको हमारा ये जो है ना पहले कम करना पड़ेगा। मालूम है क्यों कम करना पड़ेगा? क्योंकि अभी तो आपको सिर्फ घर के अंदर के ही ब्लॉग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जब ब्लॉग चैनल है तो हमको बाहर भी जाना पड़ेगा। आप लोगों को मालूम है, कहीं मंदिर जा रहे हैं, ऊपर सीढ़ियां चढ़ना है, कहीं पर अपने को किले वन पे घूमने जाना है, तो ये पेट हमको बहुत तकलीफ देने वाला है। तो अगर हमको यह ब्लॉग चैनल बनाकर आपके लिए बहुत अच्छा बनाना है इसको, तो हमको यह हालत को कम करना पड़ेगा। सामने भी देख लो, हालत बिल्कुल बढ़िया है। नहीं नहीं, मेरा पेट कम है, लेकिन मैं है ना पहले दुबली थी शादी के पहले, ये भी बड़ी मुश्किल से आधा किलोमीटर चल सकती, उसके बाद हाँपने लग जाती है, मालूम है। और मैं भी 1-1.5 किलोमीटर के बाद में हाँपने लग जाता हूँ, तो फिर हमको 5-5-10-10 किलोमीटर जब चलना पड़ेगा तो हम कैसे चलेंगे? तो इसके लिए हम आज चैलेंज ले रहे हैं कि हमको ये कम करना है। और यही मैंने सरप्राइज रखा हुआ था इन लोगों से भी, और ये मशीन लेके आया था दुकान पर से, और ये चैलेंज लेंगे हम। मेरा साथ देगा प्रफुल और इनका साथ देगी रोशनी। ये इसका काम है कि इनकी हालत कैसे कम करना है।
और मेरा जो हालत का काम है वो प्रफुल करेगा कम का। चलो आप मेरे साथ हो कि नहीं? हाँ हाँ ठीक है, तो प्रफुल भी हमारे साथ है। चलो पहले वेट तोल के देख लेते हैं, आज आप लोगों के सामने पहले वेट होगा और इसके बाद जो नेक्स्ट संडे आएगा ना उस दिन फिर हम वेट को देखेंगे दोनों का कितना कम हुआ, और ऐसे ही करते करते हम 3 महीने में आपको बताएंगे कि वेट कितना कम करेंगे। और देखिए वेट कम करने के साथ साथ आपको बताया भी जाएगा कि वेट हम कैसे कम कर रहे हैं, क्या मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, क्या कुछ दवाई गोली ले रहे हैं, सभी चीज आपके साथ जानकारी हर रविवार शेयर करेंगे। तो चलिए इस कॉम्पिटिशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन पहले हालत कम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग दोनों के वेट देख लेते हैं कि आज कितने हैं और अगले हफ्ते इसी दिन कितने होंगे। आज बुधवार का दिन है तो नेक्स्ट बुधवार के दिन फिर हम वेट को देखेंगे। और पहले मैं है ना बहुत दुबली थी, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी। इनकी एक फोटो डालेंगे हम, आपको बताएंगे कैसी इनकी हालत थी और मेरी भी कैसी हालत थी। चलो हाँ, वो फोटो में हम दिखाएंगे किसी रोज आपको। तो पहले मैं इतनी दुबली थी, लकड़ी जैसी, मतलब बहुत ही दुबली थी, रोशनी से भी कम थी मैं। और अभी अभी मेरी 2-3 साल से ऐसे हालत हुई है जरा। तो चलो रखो और देखो, पहले जीरो पे लाओ इसको बरोबर। देखो बेटो जब जीरो पे आ जाए जब वेट करना, ओके जीरो पे। चलो सबसे पहले मैं खड़ा होता हूँ। अभी देखिए मेरा जो वेट आ रहा है 84 किलो वेट है मेरा, है ना? 84 है कि 83 वही हो, देखो 84 किलो है मेरा वेट। तो अब देखते हैं रोशनी की मम्मी का कितना वेट है। चलो अब इनकी बारी है। चलो देखो अब पहले जीरो पे कर लो, है जीरो पे बराबर। इनका वेट है 72 किलो। ठीक, अब देखेंगे इन हम कम से कम 1-1 किलो 2-2 किलो वजन कम होना चाहिए 8-8 दिन के अंदर, और क्या क्या चीज हम करेंगे इन वजन कम करने के लिए देखते हैं। इनके दुकान जाने के बाद मैं थोड़ी सी साफ सफाई कर रही हूँ, ये दीवारों पे धूल मिट्टी हो ही जाती है क्योंकि यहाँ पेड़ झाड़ बहुत लगे रहते हैं और अभी आंधी तूफान भी आया था, बहुत पानी भी आया था यहाँ पे कुछ दिन पहले, और तो इसलिए ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। तो मैं साफ सफाई कर रही हूँ थोड़ी। दोस्तों देखो मैं तो आज से घूमने आ गया हूँ और ये पेट का इलाज करना है अपने को, तो रात में अभी रात के 10 बज रहे हैं, नहीं 9:30 बज रहे हैं, अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और मैं आ गया हूँ घूमने। अब कम से कम 3 किलोमीटर तक घूमेंगे हम, तो चलिए चलते हैं। और ये नाइट वॉक है ना, खाना खाने के बाद वाला, और सवेरे का भी बताएंगे, और सवेरे का भी हम कल बताएंगे, हम दोनों बाप बेटे कल सवेरे 6 बजे भी मॉर्निंग वॉक पर जरूर जाएंगे। चलिए तो चलते हैं। कैसा लग रहा है? एकदम अच्छा लग रहा, घूमने में थकान भी हो रही है और दम भी फूल रहा है, लेकिन अब वजन कम करना है बस, और किसी भी हाल में वजन हम कम करके बनेंगे। बोलो। तो मैं तो वजन कम करके ही मानूंगा भाई। चलो चलते हैं। पापा खड़े हो, ये हलवा खा लो थोड़ा सा। मम्मी ये लो, मेरा मुंह बड़ा है। खाना तो हो चुका है और अब मीठे में ये हलवा खा रहे हैं। ये जो कल बनाया था ना मम्मी ने, वो हलवा है। इतना बच गया है अभी, तो सबको खिला देते हैं। और मीठा खाने के बाद हम लोग अभी ब्रश करेंगे क्योंकि दांतों में कैविटीज बढ़ जाती है। और मम्मी यहाँ पे मेथी तोड़ रहे हैं, सुबह का काम अभी कर ले रही मम्मी ताकि सुबह टाइम ना लगे ज्यादा। सुबह बहुत देर हो जाती है, घर के काम करो कि ये मेथी तोड़ने में ही टाइम लग जाएगा, तो मैं अभी ये जो काम है मेथी तोड़ने का वो अभी निपटा लेती हूँ ताकि सुबह आसानी हो जाएगी खाना बनाने में, पराठे बनाने में, सब्जी पराठे कुछ भी बन जाएंगे। यहाँ पे रोशनी अपनी टोपी मेरे को दे रही थी लगाने के लिए, तो मैं उसको नहीं बोली थी कि बेटा रहने दो तुम लगा लो, तो वो बोली थी मम्मी मेरी जर्किंग में पहले से टोपी है, तो फिर मैंने लगा ली थी और अच्छी भी लग रही थी, लेकिन जो बंद आते ना उसमें
वो नहीं था, वो तो फिर भी ठंड लगी रही थी कान में, क्योंकि ठंड अभी बढ़ गई है, बीच में कम हो गई थी ठंडी, और अभी 4-5 दिन से तो ज़्यादा ही लग रही है। देखो मेथी तो बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि इससे कच्चे भी खाते हैं बच्चे, तो हमारा प्रफुल्ल तो ऐसे खाता उठा उठा के, और मेथी के पराठे बनते हैं, मेथी की सब्जी बनती है, बहुत अच्छे रहते हैं ठंड के दिनों में। तो जी मेथी हमने तोड़ दी है, और ये जो रहता है ना मेथी में से कचरा ज़्यादा निकलता है, जैसे कि डंठल वगैरह, तो ये कितना निकला, मेथी तो इतनी टूटी है, लेकिन ये जो डंठल वगैरह है ये सब मेथी में से जो निकला है वो ज़्यादा निकला है, तो ये मैं सुबह गाय को दे दूँगी, और इसके पराठे बनाऊँगी या सब्जी बनाऊँगी। और रात भी बहुत काफ़ी हो गई, 11:30 बज गए हैं, अभी रोशनी के पापा सो गए हैं, प्रफुल्ल भी सो गए हैं, अभी रोशनी और मैं जग रही हूँ बस, क्योंकि रोशनी का कल पेपर है, तो थोड़ी सी मेथी तोड़ी उसने मेरे साथ में, पढ़ाई कर रही थी अभी तक, अब रोशनी भी सोएगी और मैं भी सोऊँगी, और ये गैया के लिए रख देती हूँ मैं भर के, ताकि सुबह गैया को दे दूंगी। आज तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, सभी दूर लग रही होगी शायद, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ठंड ज्यादा बढ़ चुकी है। और वीडियो का भी यही करती हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।